तलाक दिलवाने के लिए ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते हैं। इन सब से भी कुछ नहीं हुआ तो ससुर ने असली हरकत की, जिसे मैं अपने पति को तलाक दे दूं। ये बातें एक पीड़िता ने आज SSP ऑफिस पर कही। थाना तकापंज की रहने वाली युवती की शादी आज से 2 साल पहले शिवम अरोड़ा नाम के व्यक्ति से हुई थी। पीड़िता के पिता नहीं है। माँ ने आंगनवाड़ी में काम करके बेटी को पढ़ाया लिखाया। इकलौती बेटी की शादी में दहेज भी खूब दिया। शादी के वक्त पीड़िता के पति खुद का बिजनेस बता रहे थे, लेकिन शादी के बाद ही ससुराल वालों की पोल खुल गई। पति का कोई बिजनेस नहीं था, सिर्फ दूसरों के उधार से काम चलाते थे। आए दिन युवती की माँ से भी पैसों की मांग किया करते थे। पीड़िता ने ये भी बताया कि पति का किसी और के साथ संबंध है। दूसरी जगह शादी कराने के लिए, दूसरे से दहेज लेने के लिए आए दिन मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसे मैं तलाक दे दूँ। क्या मामला हो गया आपका? मेरे संग ये मामला हुआ कि मेरे ससुर ने मेरे संग, जब मैं दूध पिला रही थी तो उन्होंने मेरे संग बच्ची को जब दूध पिला रही थी तो उन्होंने दुष्कर्म करने की कोशिश करी। मेरे पेट पे हाथ वाथ फेरा, जब मैं अश्लील हरकत की, जब मैं अपने पति को कहने गई अपनी सास को, तो मेरी सास ने बोला कि अरे ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं है। पति ने अनसुनी करके मेरे को बोला कि मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ, अगर तुमने ऐसे कुछ किया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। और उन्होंने कई बार मुझे दहेज के लिए बहुत उत्पीड़न किया, तो मुझे मारा है। कितने साल हो गए आपके? शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। एक बच्ची है आपकी? एक बच्ची है। तो शुरू से ही मतलब आपको टॉर्चर करते दहेज के लिए? हाँ, वो शुरू से ही मुझे टॉर्चर करते हैं। काम क्या करता है? नाम क्या उनका? उनका नाम है शुभम अरोड़ा। करते क्या है वो? कुछ भी नहीं करते हैं, कभी ये बिजनेस खोलते हैं कभी वो, और सब बंद कर देते हैं और कर्जे के पैसों से उनका घर चलता है। तो जो थाना लगता है आपका, थाने गई थी आप? मैं थाने गई थी, लेकिन थाने महिला थाना। हाँ। तो उन्होंने बोला आप जाइए, जबकि मैं एप्लीकेशन लिख के ले गई थी, उन्होंने बोला आप जाइए, आप वकील से कॉन्टेक्ट करिए, आपका ये थाना लगता है वो थाना लगता है, बस मुझे भेज दिया। इधर उधर भेज दिया। हाँ, ससुराल वाले मतलब आपको दबाव बनाने दहेज? हाँ, वो तलाक के लिए हर बात पे मुझे कहते हैं कि तलाक ले और जा यहाँ से, तू कुछ लाई नहीं है। मतलब किसी और के साथ भी संबंध है? हाँ, उनके संबंध है। अच्छा। और उनका नाम नेहा है। तो क्या आप मांग करना चाहती हैं प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरी माँ को और मेरी बच्ची को जो खतरा है, मेरे को जो खतरा है, वो उन्होंने मुझे काफ़ी बार धमकी दी है कि मैं आपके ऊपर ये कर दूंगा वो कर दूँ, तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि मेरे को कोई खतरा ना हो, क्योंकि मेरी जान को बहुत खतरा है। ये सर आपको परिचय? मेरा नाम अश्विनी रावत है। सर, इस तरह का जो मामला आया है, जो प्रेशर डाल के दबाव यहाँ पे SSP कार्यालय गए, तो अभी गए हैं कि मतलब क्या बात? मैं SSP कार्यालय, हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिया, एप्लीकेशन दे दी, महिला थाने गई ये बच्ची, तो इसको महिला थाने से वापस कर दिया गया। जहाँ महिला थाने में न्याय मिलना चाहिए महिलाओं को, वहाँ पे उनके साथ अन्याय हो रहा है। कारण उसका एक ही है कि ऐसा महिला थाना महिलाओं का सहयोग नहीं कर रही है, बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। तो विपक्षी उन लोगों से मुलाकात करके या बात करके पहले उन्हें ला के सेटिस्फाई करती हैं। जो भी उनका होगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनका सहयोग कर रही है बजाय महिलाओं के सहयोग के, तो महिला बड़ी परेशान है महिला थाने। जो मैटर आया तो यहाँ पे अब किस तरह की कार्रवाई? इस महिला की जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है, इसने जो है शादी किया, 2017 में शादी हुई इसकी। शादी के बाद इसके पति ने दहेज की मांग करना और ससुराली जनों ने दहेज की मांग करना, प्लस इसके ससुर ने इसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। जब बच्ची को दूध पिला रही थी तो बता रही थी कि जो है बच्ची के साथ इसके साथ जो है असली हरकतें करी ससुर ने, इसके साथ आके लेट गया और गंदे नीयत से इसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसकी शिकायत लेकर के आज SSP साहब के यहाँ पेश हुई है। SSP साहब मिले नहीं हैं, बाकी के कल जो है मुलाकात करते हैं SSP साहब से, कल इनकी कार्रवाई कराते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।